बाढ़ लॉकडाउन में असंगठित क्षेत्र के दिहाड़ी मजदूरों को बिहार सरकार ने ऐसे संकट के समय में मनरेगा में काम देकर इनकी जिंदगी पटरी पर लाने की कोशिश की है। बताते चले कि लॉकडाउन शुरू होने के बाद दूसरे राज्यों में काम करने वाले बेरोजगार हुए दिहाड़ी मजदूर बिहार वापस आ गए हैं। बिहार लौटे इन मजदूरों के सामने अब रोजी रोटी की बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। ऐसे हालत में बिहार सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग को यह जिम्मा सौंपा है कि दूसरे प्रदेशों से बेरोजगार होकर लौटे दिहाड़ी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराया जाए, जिसके बाद ग्रामीण विकास विभाग ने निर्णय लिया है कि जो भी दिहाड़ी मजदूर दूसरे राज्यों से अपने प्रदेश बिहार पहुंचे हैं उनका मनरेगा जॉब कार्ड बनाकर उन्हें काम दिया जाएगा। हालांकि जो मजदूर पहले से मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं उनको भी बिहार सरकार लगातार काम दे रही है। इसी कड़ी में बाढ़ अनुमंडल के बेलछी प्रखंड अंतर्गत अंदौली दरवेशपुरा और बाढ़ प्रखंड के सरटी पंचायत में मनरेगा के तहत मजदूरों से काम लिया जा रहा है, जिसके बाद उनके चेहरे पर खुशी देखी जा रही है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार हुए मजदूरों को काम मिलने से जीवन व्यतीत करने में अब उन्हें आर्थिक संकट के दौर से नहीं गुजरना पड़ेगा। वही काम कर रहे मजदूरों का कहना है कि सिर्फ राशन से ही काम चलने वाला नहीं है, बल्कि घर का खर्च चलाने के लिए आर्थिक सहयोग आवश्यक होता है। ब्रजकिशोर पिंकू की रिपोर्ट।